फायर एंड सर्विस एस्पिरेंट्स को लेकर एक बड़ी खबर जो है वो लेकर आया हूँ। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम जो हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान जो है फायर एंड सर्विस के एस्पिरेंट्स को दिया है। आप सभी जानते हैं कि कल ही असेंबली खत्म हुई है और एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फायर एंड सर्विस के वो एस्पिरेंट्स जो लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे और उन्होंने मांग की थी कि जिस तरीके से जो धांधली हुई एग्जाम के अंदर, जो डिजर्विंग है उन्हें मौका नहीं मिला और कुछ लोग जो हैं वो बेईमानी से और गलत तरीके से जो है वो नौकरी पर कब्जा कर बैठे हैं और वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, और जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें आश्वासन दिया और ये पाया भी गया, वो रिपोर्ट जो थी कमेटी की वो सामने, जिसमें ये कहा गया कि वाकई में धांधली हुई है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई। आज उमर अब्दुल्ला ने जब फायर एंड सर्विस के एस्पिरेंट्स के साथ बातचीत की तो फायर एंड सर्विस के एस्पिरेंट्स ने ये कहा कि हमें दर बदर भटकना पड़ रहा है, अब तो हमारी सरकार आ चुकी है, अब हम आप हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम हैं तो हमारी आवाज़ को सुनिए। हमने तमाम उन डिपार्टमेंट के दरवाजे खटखटाए हैं, एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो उमर अब्दुल्ला ने उन्हें ये कहा है कि मैंने आज ही आपकी फाइल को जो है वो सिग्नेचर कर जो है राजभवन भेजा है, जिसमें ये कहा है क्योंकि आपका मामला जो है वो अभी एसीबी में चल रहा है, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो आपके मामले को देख रहा है, अभी उसकी रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। जैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट आएगी तो हम जो है वो लोग जो आपकी जगह पर नौकरी कर रहे हैं तो कोई एक्शन ले पाएंगे। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, ना ही ये आरोप सिद्ध हुए हैं उस रिपोर्ट में कि वो लोग इस तरीके से थे। हालांकि ये जांच का विषय है, ये तमाम एजेंसी जो है वो काम करेंगी, मैं इस बीच नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ पर एक एस्पिरेंट्स, यहाँ पर एक वर्ग एस्पिरेंट्स का जो था वो ये डिमांड कर रहा था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और हमारा हक कोई और खा रहा है जो ज्वाइनिंग करके बैठ गया है, तो हमारे साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है, हमें जस्टिस चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें आश्वासन दिया था हालांकि, लेकिन जस्टिस मिलने में काफ़ी विलंब हो रहा है, जिसके बाद आज उमर अब्दुल्ला ने उन्हें ये कह दिया है कि आप लोग घबराए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ एसीबी की रिपोर्ट को, जिसको लेकर मैंने राजभवन में ये संदेश भेज दिया है कि आप जल्द से जल्द एसीबी को कहिए कि हमें रिपोर्ट दीजिए। उस रिपोर्ट में क्या है, जो रिपोर्ट पहले कमेटी ने बनाई जिसमें ये कहा गया कि धांधली है, और अब एसीबी जो रिपोर्ट देती है कौन लोग उसमें शामिल थे, कल्प्रिट्स कौन थे, क्योंकि जब वो देंगे तभी उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जो गलत तरीके से बैकडोर एंट्री या फिर गलत तरीके से पैसे के जो जो दम पर जो है वो आपका हक जो है वो मार कर बैठे हैं। हालांकि अब एसीबी की रिपोर्ट का इंतजार होगा, लेकिन ये बड़ा बयान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने खुद फायर एंड सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को उनके सामने दिया है और फेस टू फेस दिया है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला हाल ही में सीएम बने हैं, लेकिन उन्हें वो मुद्दे बखूबी याद हैं जो पिछले दिनों जो है वो जम्मू कश्मीर के सड़कों पर गरमाए हुए थे, सोशल मीडिया पर गरमाए हुए थे। फायर एंड सर्विसेज के वो एक्सपीरियंस मेरे भाई बहन जो लगातार जदोजहद करते रहे, हरी सिंह पार्क में भी हमने उन्हें कई बार जो है वो कवर किया और वो तमाम दृश्य हमने आप तक पहुंचाए, उनकी आवाज़ हमने पहुँचाई, चाहे बारिश थी चाहे तूफान था, हर तरीके से हमने उनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया। लेकिन फिलहाल अभी जो है उनको जस्टिस मिलने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जस्टिस मिले हम इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, और हम भी उमर अब्दुल्ला साहब से कहेंगे और एलजी साहब से भी कहेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो को कहिए कि जल्द से जल्द उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की जाए और चीफ मिनिस्टर हाउस तक पहुँचाई जाए, ताकि वो कोई ना कोई एक्शन जो है इस पर ले सकें। अगर वाकई में इसमें इस तरीके से लोग बैकडोर एंट्री से जो है वो घुस गए हैं तो उनके ऊपर एक्शन जो है वो हो सके। फिलहाल ये खबर जो थी वो स्पेशली फायर एंड सर्विसेज के जो एक्सपीरियंस है उनके लेकर थी, उनके मद्देनजर थी, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से शेयर करिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चीफ मिनिस्टर के इस आश्वासन के बाद आप फायर एंड सर्विसेज के एक्सपीरियंस जो हैं वो इस बयान को और उनके साथ जो आपकी बातचीत हुई, जैसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितना भरोसा आपको है कि जल्द से जल्द जो है अब आपको जस्टिस जो है वो मिलेगा और डिलीवर होगा। तो रह के साथ शो हम लगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए, जय हिंद।